Hi Sharks, I'm Neeti Singhal, the founder and designer of 2-in-1. Sharks, आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग ने ये सवाल कितनी बार सुना है? I literally have nothing to wear. Every she day. Connects with me. Or I have no space for my clothes. We have both the problems at the same time. Exactly. But we've brought you. A brand जो reversible और convertible clothing बनाता है, and we've also got some tweet time for you. That is cool. That's very nice. Very amazing transformation. Yeah. Thank you. हमारे 4 साल के challenging सफर में, जहां हमको दुनिया को ये बताना था कि इस type के reversible कपड़े भी exist कर सकते हैं. हमने विमेंस वेयर से चालू किया और आज हम किड्स वेयर भी बनाते हैं जो हम अपनी वेबसाइट 2in1.com से सेल करते हैं. और ट्वी का एक बहुत अच्छा मिशन है कि दुनिया में कभी कोई लड़की ये ना कहे कि पहनने को कपड़े नहीं और रखने को जगह नहीं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्वी अकेला क्यों ट्रेंड करे, कोई भी बिना फिल्टर्स यूज किए अब हर लड़की ट्रांसफॉर्मेशन डील्स बना सकती है. सो शार्क्स, आप में से कौन तैयार है? Oh. Amazing. To flip the world with me. Great presentation. Very cool. Vinita, Namita, can I invite any of you to try one of my garments? Sure. इस गारमेंट का सिंपल लॉजिक है कि आजकल सब डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए जाते हैं. And she always needs कि एक संगीत लुक हो, एक शादी लुक हो. So the only thing that I would want you to do is you can just remove the belt and keep swirling around. देखो कुछ गड़बड़ ना हो जाए भाई. Okay, I love it. Amazing, amazing. Vinita, congratulations! You made it back in one piece. यहाँ पे ये सारे रिवर्सिबल गारमेंट्स हैं जो आपने मॉडल्स पे देखे, वो सारे कन्वर्टेबल थे. इसमें किड्स वेयर है और वुमेन्स वेयर दोनों है. बेसिकली दिस इज लाइक अ बीच ड्रेस एंड उसके अंदर रात को अगर गोवा में पार्टी करना है. आप गोवा जाओगे तो आप दो चीजों के बजाय एक चीज लेके जाओगे? बिल्कुल, मैं तो पक्का लेके जाऊंगी. अभी 5 दिन की वेकेशन के लिए 10 से 12 ड्रेसेस लेके जानी पड़ती हैं एंड द सूटकेस कंप्लीटली गेट्स डेडिकेटेड टू मी. आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल सॉल्यूशन टू दैट. आप उसी ड्रेस को कन्वर्ट करके पहन लो. यू नीड वैरायटी, राइट? यू नीड टू लुक डिफरेंट. मैं एक्चुअली नहीं करूंगी. आई विल टेल यू व्हाई. मैं इतनी फिनिकी और पिकी हूँ कि गारंटी नहीं है कि ऊपर का जो ड्रेस है कन्वर्ट करके जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी मुझे पसंद आए. मैं भी थोड़ा आई एम लाइक नमिता की, मतलब वो कुछ पसंद आए दो डिजाइन इन द सेम थिंग. लॉन्ड्री की भी तो प्रॉब्लम है. लॉन्ड्री भी तो करना पड़ेगा. नहीं नहीं, मैं बताता हूँ. ऐसी ना जैकेट्स आती है कि आप बदल के उल्टी पहनो. मेरे को कभी नहीं पहनी. मैं नहीं. देखो जो अंडरवेयर डबल साइडेड है ना वो बहुत काम करेगा, वो मैं गारंटी देता हूँ. आदमी लोग कुछ कैरी नहीं करना चाहते हैं, बस एक पहन के निकल लिए. हर इंजीनियर की सीक्रेट है वो. आपको अच्छे से पता है. नीति, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आपका क्या फैशन में बैकग्राउंड है, आपने कैसे इनोवेट किया इस चीज़ पे? मेरी जो पिच की स्टोरी थी वो ट्रू है. मैंने फैशन में ग्रेजुएशन भी किया है और मास्टर्स भी किया है. कहाँ से किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन SNDT से किया है, दैट वाज बैक इन 2008. और उसके बाद मैंने मास्टर्स मारंगोनी मिलान से किया था इन 2015. एंड उसके बाद ही मैं इटली में काम कर रही थी एज एन एम्ब्रॉयडरी डिजाइनर. और मिलान तो मेका है ऑफ फैशन जी. तो आपने जब ये आइडिया वहाँ पे आया तो आपको ये नहीं लगा कि मैं इसको मिलान में ही परस्यू करूँ विद इन अ लार्ज फैशन हाउस? वेल, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. अगर इतना कुछ मुझे रेवोल्यूशनरी करना था तो मैं खुद की कंट्री से आके उसको मेड इन इंडिया फॉर्म में क्यों नहीं प्रमोट करूँ? अभी क्या सेल का रन रेट चल रहा है आपका? पिछले 3 महीने में करीब 5,70,000 की सेल हुई है. तो 2 लाख रुपए की सेल आप महीने की कर रहे हैं? हाँ जी. पर नीति, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है कंपेयर टू 1 ड्रेस? सेम क्वेश्चन, टेल अस फॉर द ड्रेस दैट यू आर वेयरिंग. इसका मेरा कॉस्ट प्राइस बनाने का पड़ता है 5,500 रुपीज. वाओ. और मैं इसको सेल करती हूँ ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज में. वाओ. वाओ. आप, मुझे लग रहा है कि आप
बिजनेस तो इंडिया में, लेकिन आपकी जो प्राइसिंग है वो इटालियन ही है अभी। ये आप ये बताइए, ये बेबी ड्रेस आपने हमें दिखाई, हाँ जी, इसको बनाने में कितना लगता है और इसको आप बेचते कितने का है? इसको बनाने में मुझे लगता है 650 रुपीस और मैं इसको सेल करती हूँ 1990 में। बट ये तो बहुत ही सिंपल ड्रेस है ना, ये कपड़ा है, ये दूसरा कपड़ा है, स्टिचिंग है, राइट? तो ये इसमें 650 वाला क्या पड़ता है आपको? सो इसमें मेरा फैब्रिक कंजम्पशन डबल हो जाता है, क्योंकि दो डिफरेंट साइड ऑफ द फैब्रिक्स है जो साथ में आते हैं, प्लस एक साइड का फैब्रिक आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक नहीं है, बट आपकी दोनों साइड ऑफ द गारमेंट इज अ फ्रेश फैब्रिक। सो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल क्लैरिफिकेशन ऑन माय एमआरपी, मेरी स्टार्टिंग प्राइस किड्सवेयर की जो है वो स्टार्ट होती है 1300 से, एंड इट गोज ऑन ओनली अंटिल 5000। नीति, आपने कहा ओनली 5000 रुपीस, आपकी फैमिली क्या करती है? आई एम जस्ट क्यूरियस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए सवाल। आई एम जस्ट क्यूरियस। ये ऑफर दे सकते हैं। इनको इग्नोर कीजिए, सात लोग बैठे हैं तो थोड़ा पागलपन हो गया इधर। आप मेरे से बात कीजिए। So, मेरे डैड का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। कर दो डील। एंड मेरी मदर एक इंडियन वेयर डिजाइनर है। अच्छा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, लेकिन आपने जिस तरह से कहा ओनली 5000 रुपीस, मुझे लगा कि ये थोड़ा भारत से, मासेस से डिसकनेक्टेड है, क्योंकि बहुत से लोगों को हमारे देश में 5000 रुपीस मतलब एक महीने की पूंजी हो गई। करेक्ट। मैं जब छोटा था एक जैकेट हुआ करती थी मेरे पास जो रिवर्सिबल थी। Correct. और उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड रहता था। एंड आई थिंक ग्लोबली आप यूएस में भी देखेंगे ना, सबके पास एक जैकेट होती है जो वो रिवर्सिबल होती है, लेकिन उसके अलावा और कपड़े नहीं होते हैं कि वो रिवर्सिबल, ऑल्दो दीज एग्जिस्ट, बहुत अरसे से कपड़े मिल रहे हैं, तो कोई तो रीजन है कि ये स्केल नहीं कर पाई इंडस्ट्री। तो अभी मुझे लग रहा है कि आप दो दिशाओं में हो। Okay. और जैसा अमन कहता है कि खुद को कर बुलंद इतना कि अजय देवगन भी कहे बोल तेरी मर्जी है क्या, है ना? ऐसा आप रहने दो। बट सीरियसली आई थिंक आप बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू। इंडिया में अभी बहुत ब्रांड्स बनेंगे और आपके स्टाइल क्वोशेंट से भी लग रहा है आप में वो क्षमता है। सो आई थिंक वो डायरेक्शन आपको लेना चाहिए। आई विश यू द बेस्ट, बट आई एम आउट।